फाइनली सितंबर 2014 से बनी आ रही टीवी सीरीज टाइटन रिलीज हुई। ये रिलीज हुई पहले डीसी यूनिवर्स पर और उसके बाद ग्लोबली ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 12 जनवरी 2019 को। सीजन वन के रिलीज होने के पहले ही ये सीजन टू के लिए ऑलरेडी रिन्यू हो चुका है। इतना ही नहीं, सीजन वन के इवेंट्स के बाद में इसकी यानी कि इससे जुड़ी एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज भी निकलेगी जिसका नाम होगा डूम पेट्रोल, जो कि सेट है कि रिलीज होगी 15 फरवरी 2019 को और ये रिलीज होगी डीसी यूनिवर्स पे। इसमें हम टाइटंस में देखे हुए चीफ के कैरेक्टर को देखेंगे जिनको एक मिशन मिलता है साइबोर्ग से, जिसे ये न चाहते हुए भी इनको मजबूरी में करना पड़ता है। अब क्या है वो मिशन, ये तो हमें इसके सीजन वन में ही पता चलेगा। डूम पेट्रोल टीवी सीरीज में एक बार फिर अपने रोल को रिप्राइज करेंगे ब्रेंटन फेसर एस क्लिफ स्टीली, अप्रैल बॉलबी एस इलास्टिक गर्ल, मैट बूमर एस लैरी ट्रेनर। अब ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी ही ब्रीफ मोमेंट के लिए, आई मीन बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट सिर्फ एक एपिसोड में हमें इन सब कैरेक्टर्स से टाइटंस के सीजन वन में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। That's it. और उसके बाद में पूरे टीवी सीरीज में आप इन सब कैरेक्टर्स को नहीं देखते, मगर ये कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, कहीं ना कहीं ये टाइटंस के सीजन वन में जान डालते हैं। और मुझे लगता है कि क्रिएटर्स चाहते थे कि इसके पहले कि इसकी टीवी सीरीज बने, हमें इन कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जिनकी स्टोरी हमें डूम पेट्रोल टीवी सीरीज में पता चलेगी। सब्सक्राइब कीजिए फीटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। टाइटन का सीजन वन कंसिडर करता है 11 एपिसोड का और हर एक एपिसोड लगभग एक घंटे का है। स्टोरी फोकस करती है टाइटन के हर एक मेंबर के लाइफ पर, जिसको हमने अभी तक सिर्फ एनिमेशन टीवी सीरीज में देखी थी। इस टीवी सीरीज में हम उन सब कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि वो जो भी आज हैं वो कैसे बने, यानी कि उनको उनके पावर्स कहाँ से मिले और कैसे वो उस सो कॉल्ड पावर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी में लीड या फिर लीडर का काम किया है ब्रेंटन थ्वाइट्स ने, जिन्होंने इसमें रॉबिन का काम किया है। एक्टिंग इनकी ठीक ठाक लगी मुझे, नो कंप्लेंट्स देयर, बट आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर। कहानी इन्हीं से चालू होती है, इनके और बैटमैन के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है और ये अब बैटमैन के साथ काम नहीं करते। ऑफ कोर्स ये एज अ पुलिस ऑफिसर काम करते हैं और रात में एज अ विजिलेंटी बनकर ये लोगों की मदद करते हैं। कुछ हुआ है इनके और बैटमैन के बीच में जो इनको अंदर ही अंदर खा रहा है और इसी के चलते ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तभी इनकी मुलाकात होती है पहले रेवन एके रेचल रॉथ से और गार लोगन एके बीस्ट बॉय से और आखिरकार कोरिएंडर एके स्टारफायर से। अब ये चारों मिलकर रेचल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से जो कि रेचल के पीछे पड़े हुए हैं। अब रेचल के पास में खुद कुछ सुपर पावर्स है, यानी कि उनके खुद के कुछ सुपर पावर्स है जिनको उन्होंने अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा है और यही चीज काफी बार उनको बचाती भी है और फंसाती भी है। अब जैसे रेचल, उसी तरह एक एक करके हमें सभी कैरेक्टर्स के लाइफ के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके प्रेजेंट के बारे में, वो जो है वो कैसे है और एक तरह से कैसे उस लाइफ से वो एडजस्ट कर रहे हैं, इस सब स्टोरी के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस टीवी सीरीज में फोकस किया गया। अब इतना ही नहीं, टीवी सीरीज जब आगे बढ़ती है तो ऐसे खुलासे होते हैं जिनको देखकर एक मिनट के लिए मैं खुद दंग रह गया था, क्योंकि ये एक टीवी सीरीज है और इतने हाई लेवल की स्टोरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई मीन लाइक रियली दैट वॉज यू नो अ सडन सरप्राइज मोमेंट इन द एंटायर टीवी सीरीज। अब क्या थी वो चीज जिससे टाइटल्स बचने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ये बच पाते भी हैं या नहीं, कुछ यही स्टोरी है इस टीवी सीरीज की जिसका नाम है टाइटंस। तो क्या ये टीवी सीरीज इतनी अच्छी है कि आपको इसे देखना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। सो रोर। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस फ्रैंकली, इस टीवी सीरीज के स्टार्टिंग के 7 एपिसोड बहुत बोरिंग है। मे भी शायद इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग में यानी कि 7 एपिसोड्स में हमें हर एक कैरेक्टर के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, उनके लाइफ के बारे में बताया जा रहा था, शायद इसीलिए। हाँ, ये भी सही है कि इस टीवी सीरीज में बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स थे जिनको देखकर इस टीवी सीरीज में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी आ रहा था, जैसे चीफ और उनके बंदों का इंट्रोडक्शन, थोड़े बहुत रेचल और रॉबिन के एक्शन सीक्वेंसेस जो कि अगेन इंटरेस्टिंग थे लेकिन अगेन बहुत लिमिटेड थे। अब 7 एपिसोड्स बोरिंग इसीलिए थे क्योंकि यार स्टार्टिंग के 7 एपिसोड्स में बस ये दिखाया गया है कि रेचल के पीछे कुछ बंदे पड़े हैं। कौन बंदे हैं वो 7 एपिसोड्स तक पता नहीं चलता। आई मीन सीरियसली, आपने 7 घंटे यूज कर लिए है एंड वी हैव नो आइडिया कि भाई आखिर कौन रेचल के पीछे पड़ा हुआ है। सीरियसली यस, 8 एपिसोड से प्लॉट में काफी ट्विस्ट आता है जहां पर रेचल को कुछ ऐसी सच्चाई पता चलती है जो कि एक तरह से उसके पावर्स को कंट्रोल करने की बजाय उसको और भड़का देती है। रेचल को लेकर काफी सारे जंप स्केयर्स भी है जो कि आउट ऑफ नोवेयर आता है। एक सीन तो आउट ऑफ नोवेयर ऐसा आया कि मैं मोबाइल में इसे देख रहा था एंड लिटरली मैं हिल गया। आई मीन लाइक
That's how shocking the jump scares were. इस पूरे टीवी सीरीज का बेस्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड है. आई मीन लाइक जैसा कि हमने एनिमेटेड मूवीज या टीवी सीरीज में गौतम को देखा है कि गौतम कैसा है, यू नो, उसका थीम कैसा है, एग्जैक्टली वैसा ही थीम, वैसा ही सिचुएशन हमें इस टीवी सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखने को मिलता है. आई मीन लाइक सीरियसली आई वाज सो शॉक्ड. मतलब इस हाई लेवल पे जाके लास्ट एपिसोड को बनाया गया है. आई मीन लाइक जब आप खुद लास्ट एपिसोड देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई एपिसोड नहीं देख रहे, आपको लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हैं. इस टीवी सीरीज में आपको बैटमैन भी देखने को मिलते हैं, नॉट हिज फेस, नॉट द क्लियर कट फेस, मगर हाँ साइड से चेहरा दिखता है, उनकी परछाई दिखती है एक्सेट्रा, बट एटलीस्ट वी हैव द वाइब ऑफ बैटमैन इन दिस टीवी सीरीज. आई थिंक डीसी यूनिवर्स ने ये एक अच्छी कोशिश की है इस टीवी सीरीज को बनाकर. और जो स्टार्टिंग के 7 एपिसोड बोरिंग थे, आई थिंक वो भी नेसेसरी थे, क्योंकि शायद से क्रिएटर्स ये चाहते थे कि यू नो इनके पास्ट के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया जाए, क्योंकि आई थिंक ये टीवी सीरीज बहुत आगे बढ़ेगी, इसके स्पिन ऑफ भी अभी डेवलपमेंट में है, तो काफी कुछ हमें आगे जाके देखने को मिलेगा. और मेरे ख्याल से ये हर एक यू नो चीज कवर करना चाहते थे, जो कि कहना पड़ेगा एक तरीके से सही डिसीजन था. तो ये टीवी सीरीज टाइटंस के कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है, मगर उनसे हटकर भी कई सारे कैरेक्टर्स है इस टीवी सीरीज में जो कि डेफिनेटली आपको अट्रैक्ट करेंगे. और सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, आई मीन आपको वो कैरेक्टर्स पसंद भी आएंगे, जैसे हैंक और डॉन का कैरेक्टर, वंडर वुमन से रिलेटेड वंडर गर्ल भी है, सुपरमैन का रेफरेंस भी है इसमें. इनफैक्ट इसमें आपको लैसो ऑफ ट्रूथ भी देखने को मिलता है, विच वॉज रियली सरप्राइजिंग. एंड यस, ये सब होता है 7th एपिसोड के बाद. तो ये टीवी सीरीज मेनली रॉबिन और रेचल के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स ने हर एक कैरेक्टर के साथ में यू नो एक इंसाफ किया है और हर एक कैरेक्टर्स को उतना ही स्क्रीन टाइम दिया है और उतना ही फोकस उनके लाइफ के पीछे भी किया गया है. सो कह सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर के साथ में इनजस्टिस नहीं हुआ. अब मुझे नहीं पता कि आप स्टार्टिंग के 7 एपिसोड कैसे देखेंगे, बट लास्ट के 4 एपिसोड डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे. तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा 7.5 out of 10. तो गाइज, अगर आपको हमारे मूवी रिव्यूज और अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सेंडिंग एनी अमाउंट यू कैन. आप हमें पेटीएम से, यूपीआई से या पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है. सो सपोर्ट अस एंड हेल्प अस ग्रो. तो ये था हमारा रिव्यू टीवी सीरीज टाइटन सीजन 1 का. आपको हमारे रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे.